और अब बात करेंगे लोकसभा चुनाव की। मिशन 400 पार साधने के लिए प्रधानमंत्री मोदी धुआंधार प्रचार में जुटे हैं और बड़ी अपडेट यह कि आज 3 राज्यों के दौरे पर हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। बिहार, पश्चिम बंगाल और मध्य प्रदेश के दौरे पर वो हैं। कुछ देर में प्रधानमंत्री मोदी बिहार के नवादा में एक रैली करेंगे और इस रैली में सीएम नीतीश के अलावा एनडीए के तमाम बड़े नेता भी मौजूद रहेंगे। हमारे सहयोगी शशांक इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनके पास चलते हैं और उनसे जानते हैं कि इस रैली की तैयारियां क्या है, प्रधानमंत्री मोदी के वहां पर पहुंचने को लेकर क्या तैयारी है, लोगों में क्या जोश है, जज्बा है, बीजेपी कार्यकर्ताओं में कितना उत्साह है। शशांक, देखिए रैली में भारी भीड़ जुटनी शुरू हो गई है। बीजेपी का दावा है कि 2 लाख से ऊपर भीड़ आएगी। मंच पे एनडीए के जो तमाम प्रमुख नेता हैं वो मौजूद रहेंगे। यहाँ से बीजेपी के प्रत्याशी हैं विवेक ठाकुर, उनके लिए जो है पीएम मोदी ये जनसभा कर रहे हैं। निशाने पे इंडिया गठबंधन होगा। पीएम मोदी जो है लालू परिवार को भ्रष्टाचार और परिवारवाद के मुद्दे पर जो है वो घेरेंगे, जंगल राज का जो है वो मुद्दा उठाएंगे। केंद्र सरकार ने पिछले 10 साल में बिहार के लिए क्या कुछ किया वो गिनाएंगे। देखिए यहाँ नवादा में जो है पहले चरण में वोटिंग है, 19 अप्रैल को वोटिंग होनी है। 72 घंटे के अंदर दूसरी बार जो है पीएम मोदी बिहार आ रहे हैं। अभी उन्होंने जमुई में जनसभा को संबोधित किया था। वहाँ से चिराग के जो जीजा है अरुण भारती वो लोजपा रामविलास के प्रत्याशी हैं। तो सभी 40 सीट जीतने का लक्ष्य बिहार में एनडीए ने रखा है और बिहार में करीब 10 से ज़्यादा रैलियां पीएम की होने वाली हैं। तो आज ये जो है वो दूसरी रैली होगी। पीएम अपने संबोधन में और क्या कुछ कहते हैं इस पर सबकी नज़रें टिकी हुई हैं। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री मोदी की रैली पर आरजेडी ने सवाल उठाए हैं। लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने कहा है कि पीएम का इंतजार परिवारवादी लोग कर रहे हैं। बड़ी खबर, पीएम मोदी फिर आ रहे हैं आज दूसरी नवादा में सभा को संबोधित करेंगे। मैम उसमें हम क्या करें, परिवार वाले जाएंगे, बेटा बेटी दामाद सब जाएगा, लोग उनका इंतजार करेगा, परिवारी लोग। पिक्चर बाकी है ना, जनता इंतजार कर रहा है, 2 करोड़ का रोजगार इंतजार कर रहा है, 5 लाख का अपने खाते में इंतजार कर रहा है। तो जनता को जवाब दें क्या क्या किया। अब मेरे सारण में तो चाय पीने के लिए चीनी फैक्ट्री लगाने वाले थे, इंतजार कर रहा है जनता, उनको चाय पिलाएगी इस बार बहुत बढ़िया। एक और बड़ी खबर, एलजेपी रामविलास के अध्यक्ष चिराग पासवान ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने दावा किया कि बिहार की सभी 40 सीटें जीतेंगे और नवादा में भी जीत मिलेगी। देखिए क्या कह रहे हैं। मोदी की गारंटी पे न सिर्फ बिहार को बल्कि पूरे देश को और अब तो दुनिया को भी इस गारंटी पर विश्वास होने लगा है। ऐसे में जहां एक तरफ हमारे प्रधानमंत्री जी की गारंटी है, वहीं हमारे गठबंधन की मजबूती है जो इस बात के विश्वास को दिलाती है कि आने वाले दिनों में बिहार की 40 सीटें हम लोग जीतेंगे। आज नवादा की सीट पर मैं जा रहा हूं, मेरे साथी मेरे भाई जो कि अभी भी मौजूदा सांसद हैं राज्यसभा से, पर अब बहुत जल्द अब वो हमारे सदन में अब आएंगे, लोकसभा में वो आएंगे, उनके प्रचार में हम जा रहे हैं, प्रधानमंत्री जी भी होंगे, मेरे मुख्यमंत्री भी वहां पहुंच रहे हैं और मैं मानता हूं कि एक बड़ी जीत के साथ हम लोग नवादा की और बिहार की 40 सीटें। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।